So today we'll start with 2D. So data will be stored in the form of rows and columns. So how many columns are these? How many columns? No. Two columns. Three columns. Three columns. Yeah. How many rows? Three rows. Very good. So this is a 2D array of what size? The array name is matrix and size is 3 by 3. Okay, so the first is your row and second is your column. Okay, so first index always starts from 0 in arrays. So this is which row? 0th row, first row and second row. This is which column? 0th column. Which column? First. Which column? 2. अब ये कहां मिलते? तो ये सेल कौन सा हो गया? जो रेड सेल है, रेड वाला सेल, इसका इंडेक्स क्या हो गया? तो कौन सा रो और कौन सा कॉलम? 0 वाला रो और 0 वाला कॉलम, है ना? वेरी गुड. अब तुम लोग मुझे बोलो ग्रीन वाले सेल का क्या होगा? बोलो. क्या होगा इसका? और कॉलम? वन वन. वेरी गुड. अब बोलो ब्लू वाले का क्या होगा? जीरो वन. तो ये इंडेक्सेस है क्या? ये इंडेक्स. जैसे इसका बोल, इसका क्या रहेगा अभी? वन जीरो. रो फर्स्ट, ऑलवेज गिव द रो फर्स्ट. ये क्या होगा? और ये क्या होगा? नबिल्ला, ए भैया गाड़ी हो रही है सर. फिर ब्लू वाला रॉन्ग हुआ क्या सर? क्या रॉन्ग हो गया ना? आई थ्रो जेंट कॉलम, बस जो आएगा फिर कॉलम आएगा. तो ये क्या हो गया? 0 2. क्या 1 2? क्या होगा ये? 1 2 होगा ना? 1 2 होगा. ठीक है. ये क्या होगा? हाँ. ब्लू वाला रॉन्ग है ना फिर. कौन सा वाला? ब्लू. ब्लू वाला क्या है? 1 0. 1 0 होगा. 1 0 होगा क्या? वेरी गुड, नाइस, गुड वन. आई थ्रो जेड कॉलम. करेक्ट 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 करेक्ट, यू आर राइट. तो क्या रहेगा ये? 1 0. ठीक है, एक मिनट. तो ये हो गया 2 0. ये क्या है? 2 1. और ये 2 2. वेरी गुड. अब हम जो है ना, इसमें जो डायगोनल है उसको अलग कलर करेंगे और अपर ट्रायंगल को अलग कलर करेंगे. तो डायगनल को मैं रेड कर रहा हूँ. क्या किसका कर रहा हूँ कलर? रेड. ये डायगनल हो गया और ये तीनों ट्रायंगल बनते हैं ना एक. हाँ. तो इनको करते हैं, ओके, लोअर ट्रायंगल को ब्लू कर देते हैं चलो, और अपर ट्रायंगल को ग्रीन कर देते हैं. ठीक है. ट्रायंगल क्यों बोलते हैं इसको अपन? ट्रायंगल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि एक ट्रायंगल फॉर्म होता है. देखो ऐसा, अगर आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, सैंडविच, सैंडविच का स्लाइस फॉर्म होता है ऐसा. समझा? तो इसके लिए इसका ट्रायंगल बोलते हैं.
तो डायगोनल एलिमेंट्स की खास बात क्या है? तो पहला जो इंडेक्स है उसको हम आई से रेफर करेंगे और दूसरे को जे से रेफर करेंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर क्या खास बात दिख रही है आपको? क्या दिख रहा है यूनिकनेस डायगोनल में? और अपर ट्रायंगल में क्या खास बात दिख रही है? सर अपर ट्रायंगल मतलब नीचे वाला हो गया ना, ऊपर वाला ट्रायंगल ना, अपर। सर अपर ग्रीन कलर में और अपर ग्रीन में है। यस, तो ये है, देखो ये कलर कोडिंग है अपना, रेड ब्लू और ग्रीन। तो रेड है आपका डायगोनल, और ब्लू क्या है? लोवर ट्रायंगल। और ग्रीन क्या है? तो डायगोनल में क्या दिख रहा है आपको डिफरेंस, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप डायगोनल एलिमेंट्स में? और इसमें इसमें क्या दिख रहा है आपको? ऑब्जर्व कर दो क्या दिख रहा है आपको आई और जे में डायगोनल, देख लो डायगोनल से तो आइडिया है। डायगोनल में क्या दिख रहा है आपको? रोज और कॉलम से वैल्यू सेम है, इंडेक्स सेम, वैल्यू तो नहीं, इंडेक्सेस क्या? इंडेक्सेस। इंडेक्सेस है ना, सेम है ना। तो डायगोनल में आई इज इक्वल इक्वल टू जे इज इक्वल इक्वल टू अपर ट्रायंगल में क्या है? 0 1 0 2 1 2। क्या डिफरेंस लगा आपको अपर ट्रायंगल में? क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? क्या डिफरेंस लग रहा है अपर और लोअर ट्रायंगल में, बोलो? ऑब्जर्व थिंग गाइस, अपर ट्रायंगल में बेस इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। नहीं नहीं, इसे अपर ट्रायंगल एलिमेंट्स में बढ़ा, ये तीन एलिमेंट्स में, हर ग्रीन वाले में का 1 हो रहा ना, 1 बेस इंडेक्स, और ये 1 दिख रहा है इधर देखो। मैं तो स्टार्टिंग वाला बोल रहा था मैं। तीनों एलिमेंट्स में क्या आपका फाइंडिंग है? That condition should be true for all the three elements. यहाँ पर आप देखोगे ना, J बड़ा है I से, क्या बड़ा है? J बड़ा है। 1 0 से बड़ा है, 2 0 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है ना? हाँ, yes sir. वो lower triangle में क्या है? J is less than I से। I बड़ा है J से, तो simple सा common sense लगाने का, don't over complicate matters for y'all. जब इक्वल टू का हिंट दे दिया था तो कॉमन सेंस लगाना था, है समझ में? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट्स डालेंगे। तो डू यू नो दिस स्टाइल ऑफ काउंटिंग विच द स्टोन एज मैन वुड यूज? यस सर, एंड देन ही वुड ड्रॉ अ डायगोनल, राइट और रॉन्ग? तो ये कितने शीप हो गए? 5। 4 रे राजा, 4 को मिला के सर एक क्रॉस करें तो 5 होगा। हाँ ना, तो यहाँ देखना, ये देख मैं क्या कर रहा, वो देख उसने क्या किया, वो मत देख स्टोन एज मैन ने, यहाँ देख। अब बता ये कितना हो गए? 4। टोटल कितने हो गए? 8। अब इसमें मुझे बताना ये है कि वर्टिकल लाइन कितने बार चल रहे हैं?
तो डायगनल कितने बार चल रहा है? एक बार। एक बार। तो ऐसे ही जो डायगनल है ना, डायगनल वो आपका आउटर फॉर लूप होगा। क्या होगा आपका? आउटर फॉर लूप। और जो वर्टिकल होंगे वो आपके इनर फॉर लूप होंगे। क्या होंगे? इनर फॉर लूप। ठीक है, तो इनर फॉर लूप तीन बार चलेगा तो आउटर कितने बार चलेगा? यस और रॉन्ग? हेलो। यस सर। यस सर। आउटर इनर फॉर लूप चलेगा तीन बार तो आउटर फॉर लूप चलेगा कितने बार? एक बार। एक बार। ये चलेगा तीन बार तो कितने बार चलेगा? एक बार, है ना? एक बार। हाँ। ये तीन बार तो ये एक बार, है ना? यस सर। वेरी गुड। तो हम आउटर फॉर लूप के लिए वेरिएबल लेंगे आई। क्या लेंगे? आई यानी रो। और इनर फॉर लूप के लिए वेरिएबल लेंगे जे यानी कॉलम। समझ में आया? तो यहां देख, यहां पर देखो आई फिक्स्ड है, जीरो जीरो जीरो। कौन बढ़ रहा है? जे हो रहा है जीरो वन टू। फिर यहां पर वापस आई एक से बड़ा, पर जे वापस क्या जा रहा है? जीरो वन टू। तो अभी वापस आई एक से बड़ा और जे क्या हो रहा है? तो जो फॉर लूप है बाहर का वो किसके लिए है? बाहर का फॉर लूप किसके लिए? रोज के लिए ना। हाँ, रोज के लिए सर। तो रो कहां से कहां तक जा रहे हैं? जीरो से लेके तो ये दिख रहा है क्या? ये रोज तो लेस देन वहां तक और इस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप, वो कौन सा रहेगा? तो जे कहां से जा रहा है? जे कहां से जा रहा है? जीरो से लेके ठीक है। ठीक है, ये अंडरस्टूड? तो अभी ये जो पार्ट है, ये जो कोड है, ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा? अरे वो फादर हो नहीं है, वो हम बोले पानी कंधे को लेकर आओ, बेल आओ, बेल आओ, रिलीम धरे में। यस, सो ये जो फॉर लूप है जे की, ये इनर फॉर लूप है और ये आउटर फॉर लूप है। ठीक है, और ये अंदर है तो ये इनर हो गए। ठीक है, अभी आउटर की मिसाल कैसी थी? डायगोनल की। डायगोनल। और इसकी मिसाल कैसी थी? खड़ी की, है ना? तो अभी ये लूप चलेगी तीन बार तो ये एक बार चलेगी, है ना? Yes, तो फर्स्ट इटरेशन में, फर्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू क्या है? आई का जीरो। बस जे का क्या है? जीरो। तो किसमें जाएगा ना वैल्यू? किसमें जाएगा? किसमें जाएगा? जीरो जीरो में ना। नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा? जे होगा इंक्रीमेंट। कौन इंक्रीमेंट होगा? तो क्या हो जाएगा? अभी पहले आई क्या था? जीरो जीरो ना। अभी क्या है? आई क्या है अभी? जीरो वन। और फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा? जे होगा इंक्रीमेंट। जे क्या हो जाएगा? जीरो टू। तो जीरो हो जाएगा टू। अभी नेक्स्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा? थ्री होगा। जे क्या होगा? जे थ्री होगा। इज थ्री लेस देन थ्री? नो। लूप टूट जाएगी। फिर I प्लस प्लस होगा, क्या होगा? तो I क्या हो जाएगा?
आई प्लस प्लस ना वन एंड जी विल अगेन अगेन स्टार्ट फ्रॉम जी विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम जीरो तो क्या हो जाएगा जीरो जीरो वन टू आ रहा है समझ में तुम लोग क्या चल रहा है हाँ सर और थर्ड इटरेशन में क्या होगा थर्ड इटरेशन में वापस अभी होगा तो अभी आई क्या हो जाएगा टू और जे क्या हो जाएगा जीरो वन अगेन बिकम जीरो वन और टू तो टोटल कितने इटरेशन हो गए अभी ये जितने लाइन है उतने कितने लाइन हो रहे हैं नाइन आया समझ में Yes, sir. तो ये है वो ऐसे हम लोग फॉलो लगाएंगे तो पहले इटरेशन में आई का वैल्यू जीरो रहेगा पूरे इटरेशन में जे जीरो वन टू होगा तो ऐसे नाइन इटरेशन होंगे कितने हो गए इटरेशन नाइन तो वो इधर है तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां और नौवां आया समझ में देखो ऐसा तो ये ऐसे नौ इटरेशन हो जाएंगे अपने पास क्लियर है क्या नहीं सो नाउ वी विल राइट द प्रोग्राम सो टेल मी नाउ हैश इंक्लूड क्या करने का दिख रहा है तुमको नोटपैड दिख रहा है नोटपैड प्लस प्लस हाँ सर यस सर ठीक है अब बोलो डियर क्वेश्चन अरे एक्सेप्ट करेंगे और डिस्प्ले करेंगे क्या करेंगे अरे तीन बाय तीन का मैट्रिक्स एक्सेप्ट करेंगे और डिस्प्ले करेंगे ठीक है तो मैट्रिक्स भी किस टाइप का है आई भी किस टाइप का जे भी किस टाइप का है ठीक है अब अपन बोलेंगे यूजर को कि प्रिंट एफ उसका सिंटैक्स है क्या क्या लाइन नंबर 6 में सिंटैक्स कॉमा 3 के फिर सर आई कॉमा जे लेना पड़ेगा सर नहीं 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 आज का जमा तो फॉर लूप में यूज करेंगे ये अपन मैट्रिक्स को डिक्लेयर किए ये एरे 2D एरे डिक्लेरेशन है ये 2D एरे डिक्लेयर करते हो हमको देना पड़ता कितने रोज कितने कॉलम है और ये आपने फॉर लूप के वेरिएबल्स है अब चूंकि ये दोनों भी इंटीजर टाइप के हैं तो मैंने यहाँ डिक्लेयर किया था साथ में ऐसा समझा तो अभी आपके ऊपर है ये भी ठीक है तो अभी एंटर अ नंबर मुझे बोलना है और अगर मैं फॉर लूप के बाहर लिख दूंगा तो फॉर लूप क्या होगा आई इक्वल्स टू जीरो आई लेस देन थ्री आई प्लस प्लस और यही सेम फॉर किसके लिए जाएगा जे जे इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो अभी ये जो लाइन है ये कितने बार एग्जीक्यूट होगी एक ही बार होगी तो उसको क्या करना चाहिए अपने कहाँ लिखना चाहिए तो फॉर लूप के नीचे कौन से ये वाली नंबर लाइन ये वाली इधर नहीं सर ब्रैकेट के वो साइड लाइन लाइन बोल लाइन नंबर बोल सर मैं 10 पे हाँ सर 10 पे ना लाइन नंबर वो लाइन नंबर मैं कहाँ लिखूँ वो लाइन को एंटर अ नंबर जो है ना एंटर नंबर वो कहाँ लिखना है अपने को कितने बार दिखाना है वो लाइन अपने को कितने नंबर ले रहा है यूजर से हाँ अपने को यूजर से कितने नंबर लेने हैं 3x3 मैट्रिक्स के लिए सर दो ना दो नंबर कैसे भाई कितने ब्लॉक दिख रहे तुम्हारे को इसके अंदर तीन दिख रहे ब्लॉक कितने खाचे दिख रहे ये 0001 0201 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2
कितने कितने नंबर दिख रहे, कितने नंबर देना अपने को यूजर से? एक थ्री बाय थ्री के मैट्रिक्स में कितने नंबर आएंगे? नौ नंबर आएंगे ना? सर नौ। तो ये लाइन कितने बार प्रिंट होंगी? एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर लाइन कितने बार प्रिंट करना है यूजर को? तो 9 बार करेंगे तो 9 बार बार कौन सा कोड डिस्प्ले होगा फिर? अगर आप यहां पर लिखेंगे तो एक ही बार डिस्प्ले होगा, ठीक है? यहां पर लिखेंगे तो तीन बार डिस्प्ले होगा, क्योंकि ये कोड चलेगा सिर्फ तीन बार। तो क्या लिखना पड़ेगा आपने को? 9 बार कौन सा कोड चलेगा? लाइन नंबर 15 में। यस, तो दोनों फॉर लूप के अंदर। यस, इधर समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? हां सर समझ आ गया। तो एंटर अ नंबर, तो ये कोड होने वाला है एग्जीक्यूट 9 बार, क्योंकि ये होगा आई जीरो जे जीरो पे भी, आई जीरो जे वन पे भी, आई जीरो जे टू पे भी, फिर आई वन जे जीरो पे, आई वन, तो ये जितने बार है ना, ये वाला जितना भी है दिख रहा है ये, तो हर बार वो कोड एग्जीक्यूट होगा, तो उतने बार अपने को स्कैन करना पड़ेगा। तो स्कैन करके अपन पहला नंबर तो कहाँ डालेंगे नंबर्स को? एंड किधर? मैट्रिक्स के कौन से इंडेक्स पे? मैट्रिक्स से कौन से? तो पहले नंबर, पहला नंबर कहाँ जाएगा? पहला नंबर किधर? तो आपने पहला नंबर एंटर किए 8, पहला नंबर आपने एंटर किए 8, 8 कहाँ गया? कौन से इंडेक्स पे गया 8? जीरो जीरो। तो अभी जीरो जीरो कौन से वेरिएबल के पास है? इधर यहाँ पर फॉर लूप में जीरो जीरो कौन से वेरिएबल के पास है? आई और जे। तो इसके लिए इधर आई और जे जाएगा, समझा? फिर नेक्स्ट 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 नंबर, नेक्स्ट नंबर कहाँ जाएगा? अभी नेक्स्ट नंबर कहाँ जाएगा? नेक्स्ट नंबर आपने एंटर किया 13, 13 कहाँ जाएगा? जीरो वन। तो अभी वन कौन? आई जे विल इंक्रीमेंट नो, जे विल फ्रॉम विल बिकम जीरो से लेके वन तक, पर आई तो जीरो रहेगा ना? हाँ। तो जीरो वन, समझा? हाँ, इससे आपका पूरा एरे स्कैन हो जाएगा, करेक्ट? हाँ। और डिस्प्ले करने का रहेगा तो जैसे अपने एरे के अंदर रहता, एरे में हर काम के लिए फ्रेश फॉर लूप, तो ये लूप किसके लिए थी? एरे एक्सेप्ट करने की। ये किसके लिए है? एरे डिस्प्ले करने के लिए। तो प्रिंट एफ निकाल देंगे अपन, और यहाँ पर प्रिंट एफ कर देंगे, प्रिंट एफ कर देंगे, और परसेंटेज डी और एंड निकाल देंगे, और आई और जे है ना। बट इससे वाले का आउटपुट क्या आएगा? तो अगर आपने नंबर एंटर किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना, आउटपुट ऐसा आएगा, ऐसा आउटपुट आएगा। डू यू वॉन्ट टू गिव अस, यू वॉन्ट टू गिव अ टैब आफ्टर एवरी? यस सर। तो क्या देने का? स्लैश टी। क्या देने का? स्लैश टी। तो उससे आउटपुट, उससे आउटपुट ऐसा हो जाएगा। अभी भी सही है क्या? नहीं। हर तीन के बाद, हर तीन के बाद क्या चाहिए मेरे को? लाइन चेंज चाहिए। लाइन चेंज चाहिए है क्या? नहीं। हाँ। तो उसके लिए क्या करने का? हर जो अंदर की फॉर लूप के बाद, किसके बाद? अंदर की फॉर लूप के बाद क्या करने का? स्लैश एन। तो जैसे ये खत्म हो जाए तो यहां पर क्या देने का? आया समझ में? हाँ भाई। तो ये समझ में आया ना आउटपुट कैसे लाना है अपने को मैट्रिक्स का? तो आप लोग ऐसा करना पड़ेगा कि हर नंबर के बाद स्पेस, और फिर जैसे ही खत्म हो जाए अंदर की फॉर लूप तो क्या करना है अपने को? ठीक है, आया समझ में?
तो अभी ये करके देखने का, और ये मेन क्लोज। चलो इतना प्रोग्राम रन करके देखते कि क्या हाल चाल है प्रोग्राम के। दिख रहा है टर्बो सी आपको? ठीक है, रन किया। अभी दिख रहा है इधर आउटपुट? चलो ना, गिव मी योर मोबाइल नंबर फटाफट, जल्दी जल्दी। ओके, आई एंटर माय, आई एंटर माय। आ गया मैट्रिक्स फॉर्मेट में, दिख रहा है? अब इसमें आपको सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स डिस्प्ले करने हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए वापस फॉर लूप, उसके लिए वापस क्या करना पड़ेगा? वापस फॉर लूप की जोड़ी, और क्या रहेगा, लॉजिक क्या रहेगा डायगोनल एलिमेंट्स का? डायगोनल एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स है? डायगोनल एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स है? अरे बेस इंडेक्स नहीं बोलते राजा उसको, बेस इंडेक्स सिर्फ 0-0 को बोलते हैं। किसने सिखाया था कोई ये वर्ड बोलना, बेस इंडेक्स लगाया तूने जब से? बेस इंडेक्स बोलते हैं सिर्फ 0-0, ये जो है ना। तो अगर कोई फैंसी टर्म अपन सीख रहे तो उसको सही तो सीखो, ये इसको बोलते हैं बेस इंडेक्स सिर्फ। ये जो है ना, ये वाला जो इंडेक्स है उसको बोलते हैं बेस इंडेक्स। तो I और J सेम चाहिए, क्या चाहिए? I is equal to J. Equal to क्या? Equal to. Equal. तो again for loop लगाने का वापस, और फिर क्या चेक करने का? If I is equal to J, printf that element. तो वो कैसे करेंगे? मैट्रिक्स का आई और जे वाला एलिमेंट। ठीक है, तो अगर कहा आई और जे सेम हो जाते हैं तो वो एलिमेंट मैट्रिक्स का डिस्प्ले कर दो। स्लैश, यस सर, अगर हम बार बार फॉर लूप मतलब एक ही बार ऊपर करें बाद में नहीं करें तो उससे क्या होगा? मतलब उसमें फिर तरह बढ़ जाएगा कॉम्प्लिकेशन। तो कर सकता, अगर तेरा लॉजिक उतना साफ हो जाए ना तो वो भी कर सकता, तो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वो भी कर सकते हैं, पर अपन एक टास्क के लिए अपन एक फॉर लूप रन करेंगे। तो अगर तुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए अच्छे से तो वो भी कर सकता है, तो प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो क्या कर रहा हूं मैं, प्रिंटएफ डायगोनल एलिमेंट्स आर। ठीक है, यहां पर क्या कर रहा हूं, प्रिंटएफ में मैट्रिक्स इज, क्योंकि हमने वहां मैट्रिक्स दिखा रहा है ना। तो ये ऐसा कर सकते हैं अपन, मैट्रिक्स इज, इधर भी स्लैश एन और इधर भी स्लैश एन। अभी रन करते हैं, ठीक है? अब ठीक है, फिर से एंटर कर रहा हूं मैं कुछ भी नंबर्स, 7 4 5 2 5 6 1 9 6। तो ये मैट्रिक्स हो गई है ना। हाँ। तो विच आर द डायगोनल एलिमेंट्स? 7 5 6। ओके, व्हाट आर द अपर ट्रायंगल एलिमेंट्स? तो वापस ये कॉपी किया, और क्या बोलूंगा मैं, आई ग्रेटर देन जीरो। अपर ट्रायंगल एलिमेंट्स कौन से हैं? अगर अपर ट्रायंगल में क्या था लॉजिक ग्रीन में, ग्रीन के इंडेक्स के मतलब जे ग्रेटर देन आई, क्या करते हैं? हाँ। अगर जे बड़ा है आई से तो ठीक है, और लोअर ट्रायंगल कौन से है? लोअर ट्रायंगल कौन से है? आई इज ग्रेटर देन जे, उसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, बस रन करो और अपने You can give double numbers also, you can give
विच एवर नंबर यू वांट, जब तक वो इंटीजर है तब तक वो चल जाएगा। सर लेके 50,000 नहीं डाल सकते हैं ना? नहीं, 32,000 के अंदर। ठीक है, तो अपर ट्रायंगल कौन से कौन से? इसमें 3, 12, 353, 5, 543, तो 3, 12, 543। लोअर ट्रायंगल कौन से? 54, 32, 246। और अपर डायगनल कौन सा? ये। अब अगर मुझे सम निकालना है, सम ऑफ ऑल द डायगनल एलिमेंट, इनको ऐड करना है, 4 + 6, 40 + ये, तो क्या करना पड़ेगा लॉजिक मुझे? तो मुझे लाना पड़ेगा वेरिएबल सम डायगनल। क्या लेना पड़ेगा वेरिएबल? सम डायगनल। और सम डायगनल को यहां पर क्या कर देंगे अपन? जीरो। और क्या करेंगे इधर अपन? जब डिस्प्ले होता रहेगा वो साथ 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 क्या करने का उसको? सम डायगनल इक्वल्स टू सम डायगनल प्लस वो नंबर को ऐड भी कर देने का। ठीक है, और फिर एंड में दिखा देने का सम क्या है। आई विल जॉइन अगेन। ओके, आई विल जॉइन अगेन। So and now here what we will display, sum of, sir दिख रहा नहीं screen, दिख रहा नहीं क्या? Sum of diagonal elements are percentage d, और कौन सा variable है वो? समझा? तो यहां पर अपन ने क्या किया, उसको डिक्लेयर कर दिए। जब उसका कैलकुलेशन करने का टाइम आया उसको जीरो इनिशियलाइज कर दिए, और जैसे जैसे नंबर डिस्प्ले होते जा रहा है वो सम डी में ऐड भी होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये सम डी इक्वल्स टू सम डी प्लस मैट्रिक्स। इसको लिखने का एक और तरीका क्या है? इसको लिखने का एक और तरीका क्या है? प्लस इक्वल टू क्या है? प्लस इक्वल टू, ऐसा। समझ में आया? हाँ। तो प्लस इक्वल टू मतलब क्या? सम डी इक्वल्स टू सम डी प्लस मैट्रिक्स, सेम ऊपर का। हाँ। तो जो आपको समझ में आया वो यूज करो। ओके, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द सम ऑफ डायगनल, सम ऑफ लोअर ट्रायंगल, देन और एक फॉर लूप, सम एलटी लेंगे। फॉर लूप क्यों लेंगे? अपन कैलकुलेट डिस्प्ले कर रहे हैं ना, उसमें कर देंगे ना, डिस्प्ले में तो जो डिस्प्ले कर रहे उसमें कर देंगे। सम एलटी को जीरो करेंगे और जहां जहां पर वो नंबर कैलकुलेट हो रहा है उसको डाल देंगे। तो जहां वो प्रिंट हो रहा है वहां पर उसको सम एलटी में भी डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, और अगर अपने को करना है सम यूटीवी, क्या करना है? सम अपर ट्रायंगल भी करना है, तो सम अपर ट्रायंगल करना है तो क्या करेंगे? तो सम यूटीवी कर देंगे। और ये क्या था? ओके, ये एलटी है क्या? पर ये तो ओके, ये यूटी हो जाएगा फिर। अपर ट्रायंगल ये वाला था ना, यूटी। और ये क्या आएगा? सम ठीक है, तो क्या आएगा? सम एलटी इक्वल सम एलटी प्लस मैट्रिक्स। ठीक है, अपन ने एक डिक्लेयर नहीं किया ऊपर, कौन सा डिक्लेयर नहीं किया? और अभी तीनों को हाथ में डिस्प्ले कर देंगे नीचे आके। तो डायगनल एलिमेंट्स फिर क्या? अपर सम यूटी और सम एलटी।
ठीक है। चलो अब सिंपल नंबर, सिंपल नंबर एंटर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ठीक है। ये मैट्रिक्स हो गई। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से डायगोनल एलिमेंट्स, कौन सा है? तो इसका सम सम कितना हो गया उनका, 15 आ रहा है इधर, ठीक है दिख रहा है, 15 दिख रहा है इधर। ओके अपर ट्रायंगल कौन से है, कितना हो गया सम उनका, 11 हो गया। लोअर ट्रायंगल कौन से है, 2 3 6 कितना होगा उनका सर, लोअर रॉन्ग आया सर। अपन अपन ने कॉपी पेस्ट किया ना, कॉपी पेस्ट हाँ इसके लिए। अपने वो कॉपी पेस्ट किए थे ना इसके लिए वैसा हो गया। ठीक है क्लियर, टूडी आ रहे में कोई शक किसी को नहीं सर, प्रोग्राम करो जी, कौन एक्सप्रेस लेता हूँ मैं, फिर आप सेंड कर दो, मैं सेंड ही कर दूंगा।